बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर इस तरह से हैं जैसे आपने 3.1 की थी। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसमें कहा हुआ है कि क्वेश्चन के आंसर्स को आपने बेस 2 में, बेस 5 में और बेस 8 में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, बिल्कुल वैसे ही हमने ये भी करना है। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो क्वेश्चन को करते हैं उसमें बेस में कन्वर्ट, सॉरी हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम इसका अगला पार्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम नंबर्स को बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 8 प्लस 5 × 8, ठीक है। अब हमने इसके एक्सपोनेंट्स बनाएंगे। जैसे हम इसकी पावर्स बनाते हैं, ये इसकी 0 है और इसकी 1 है। जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। तो 7 × 8 प्लस 5 × 5, 7 × 8 = 56 प्लस 5 × 1 = 5। 56 में हमने 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 61 आ जाएगा। 75 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 61 आया। इसी तरह से हम 13 × 4 = 5, इसको हमने 5 में कन्वर्ट करना है। 1 × 5 प्लस 3 × 5 प्लस 4 × 5 प्लस 2 × 5। अब हम इसके बेस को हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। 5 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 125 प्लस 3 × 25 प्लस 4 × 5 = 5 प्लस 2 और 1 आ जाएगा यहाँ पे। 125 प्लस 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 प्लस 4 × 5 = 20 प्लस 2 × 1 = 2, ठीक है। अब हम इन सब को क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं। इन सब को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 222। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेस 2 के साथ 100 × 1 विद बेस 2। इसको भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। इसको हम एक्सपोनेंट्स बनाते हैं। अब इसके 0, 1, 2, 3, 4 और ये हमारे पास 5। 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3, 4 और ये 5। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। ठीक है, 5 टाइम मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 32। 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 16। 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8। 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4। 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 0 की पावर जो है वो 0 हो तो 1 आता है इसकी जगह पे। अच्छा जी, अब हम इनको करते हैं प्लस। 32 × 1 = 32, 0 × 16 = 0, 0 × 8 = 0, 4 × 1 = 4, 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, 32 × 4 = 36, 36 × 2 = 38, 38 × 1 = 39, ये हमारे पास आ गया 39। अब हमने क्या करना है, सिंपल सा रिपीट करती हूँ क्वेश्चंस को। हमारे पास है 75 की बेस 8 प्लस 13 × 42 की बेस 5 प्लस 100 × 1 की बेस 2। अब इन सब की जो डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया है उसको हमारे पास आंसर्स क्या आए हैं, हमारे पास 61 इसका आंसर आया है, इसका आंसर आया है हमारे पास 222, इसका आंसर आया है 39। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। 2 × 2 = 122 प्लस 39 प्लस 61, 9 × 1 = 10, 10 × 2 = 12, 2 × 1 = 6, 6 × 3 = 9, 9 × 1 = 10, 10 × 2 = 12, 2 × 1 = 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 322, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इनको करना है, ये जो हमारे पास आंसर आया है इस आंसर को हमने बेस में कन्वर्ट करना है। इसको हमने बेस 2 में भी कन्वर्ट करना है और बेस 5 में भी और बेस 8 में भी। तो मैं सिंपली सा ये काम करती हूँ कि आप लोगों को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना बता दिया है, अब इसी तरह से मैं आपको बेस में कन्वर्ट करके बता देती हूँ कि क्या आंसर आ रहा है।
फर्स्ट ऑफ ऑल 322 को हमने करना है बेस 2 में, उसके बाद बेस 5 में, उसके बाद बेस 8 में। तो जब हम 2 के साथ करेंगे, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 1s are 2, रिमाइंडर आपके पास आ गया 0, ठीक है। 2 8s are 16, 0 नीचे आएगा क्योंकि 2 वैल्यूज हैं 1, रिमाइंडर। 2 4s are 8, 0, रिमाइंडर हमारे पास 0। 2 2s are 4 और रिमाइंडर 0, और ये रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। 2 10s are 20, रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। 2 5s are 10, रिमाइंडर आ गया 0। 2 2s are 4, रिमाइंडर आ गया 1। 2 1s are 2, रिमाइंडर आ गया 0। इसी तरह से अब हमने करना है इसको बेस 5 के साथ। 5 6s are 30, 5 4s are 20 और ये 2 रिमाइंडर। 5 1s are 5, 5 2s are 10 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 4। 5 2s are 10 और ये 2 रिमाइंडर। नेक्स्ट आ गया आपके पास 8 4s are 30, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं, 8 4s are 32 और रिमाइंडर हमारे पास 0 है। यहाँ पे दो वैल्यूज बता रहे, रिमाइंडर आपके पास आ गया 2। 8 5s are 40, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। तो जो हमने बेस 5 और बेस 2 बेस 8 के साथ जब हमने किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, ये देखें। जब हमने इसको बेस 2 बेस 5 में कन्वर्ट किया तो बेस 2 के पास हमारे पास आंसर है 101, उसके बाद 1 2 3 4 4 0, उसके बाद आ जाता है 10 विद बेस 2, और बेस 5 के साथ हमारे पास क्या आंसर आया, 2242 विद बेस 5, और बेस 8 के साथ हमारे पास क्या आंसर आया, 502 विद बेस 8, ठीक है। 322 का हमारे पास बेस 2 बेस 5 और बेस 8 के साथ हमारे पास आंसर मौजूद है। सो क्लास, ये था आज का आपका क्वेश्चन, और इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने फर्स्ट 3 पार्ट्स इसके करने हैं। 1 मैंने आपको करा दिया है, सेकंड और थर्ड वाला आप लोगों ने खुद करना है, सेम इसी प्रोसीजर्स के साथ, इसी मेथड के साथ आप लोगों ने वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। होपफुली आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है 3.1 की तरह। जैसे आप लोगों ने 3.1 किया है वैसे ही आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू क्लास।